विद्यालय है जहाँ की बच्चे की संख्या 454 है और रूम 4 है और खुले मैदान में बच्चे को पढ़ाया जाता है और खाना बनाने का किचन रूम नहीं है, खेल का मैदान बहुत छोटा है। मेन बात तो है कि शौचालय का व्यवस्था बहुत गंभीर है, टूटा फूटा हुआ है। इधर क्या कर रहे हैं आप लोग? टॉयलेट वहाँ नहीं है करने का व्यवस्था? हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय में करीबन 454 विद्यार्थी अभी नामांकित हैं। हाँ। और हमारे विद्यालय में जैसे रूम का, भवन का, माने जमीन का, जैसे जमीन नहीं है जिसके तरह से भवन नहीं है और रूम का कमी है जिसके वजह से विद्यार्थी को बाहर बैठना पड़ता है बिस्बिट्टा, मतलब किसी के बिस्बिट्टे में, और लैट्रिन की सुविधा नहीं है जिसके वजह से उनको दूर दूर पीछे जाना पड़ता है। शौचालय को जीर्ण स्थिर अवस्था में कुछ उसी में जाता है, कुछ लड़का लोग बाहर नहीं जाता है। जमीन की कमी है इस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय के लायक यहाँ जमीन थी और स्तरोन्नत मिडिल स्कूल हो जाने के बाद इसके लिए जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मकान की आवश्यकता है कि अन्य साधनों की जो कमी है वो जमीन के कारण पूरा नहीं किया जा रहा है। शौचालय की समस्या तो है ही, किचन सेट के लिए जगह नहीं है, कहाँ किचन सेट बनाया जाए। मैडम जी, सबसे पहले तो जगह का कमी है, जगह ही नहीं है तो बच्चा लोग पढ़ेगा कैसे, और रूम का भी कमी है, रूम नहीं है। तो आप लोग इसके लिए, जैसे मुखिया जी है आपके गांव में जो भी सदस्य हैं, उनसे बात नहीं किए हैं? कई बार इसके बारे में स्कूल में मीटिंग हुआ कि होगा, बनेगा बनेगा, बस लंबा प्रोसेस टाइम चलता रहता है उसी सिलसिले में। हर बार कभी 26 जनवरी को, कभी 15 अगस्त को इसके बारे में मतलब बात चलती है तो टाइम बढ़ता रहता, होगा 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 होगा, कभी किसी समस्या को जमीन नहीं है तो क्या है, नहीं है, कौन देगा, नहीं होगा, बस पोस्टपोन हो जाता है सब मामला। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को सुविधा दिया जाए। इसके ऊपर मैं अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी का नाम है आशीष रंजन और इनका मोबाइल नंबर है 0-64-52-24-95-05। इस नंबर पर कॉल करके इन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें ताकि ये सिवाना गांव में उत्क्रमित विद्यालय जो है यहाँ पर सभी समस्या का हल हो। मैं नविता, गांव सिवाना और जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।